हर किसी को बंगले को ये हंगामा निकाह को लेकर है। पढ़ा लिखा भी नहीं उनको भी दौड़ा रहा है। ये हंगामा सामूहिक निकाह में धांधली को लेकर है, क्योंकि भोपाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। दरअसल भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम में 287 मुस्लिम जोड़ों ने कबूल है कहा। इधर लिस्ट में नाम नहीं होने पर कुछ देर बाद हंगामा भी हो गया, जहां आए लोगों ने कहा कि एक महीने पहले ही फॉर्म भर दिया था, बावजूद लिस्ट में नाम ही नहीं है, इस कारण बिना निकाह के ही लौटना पड़ रहा है। उन्होंने निकाह के बदले दलाली के भी आरोप लगाए। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कई मुस्लिम परिवार थे जो अपने बच्चों का निकाह करवाने इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उनके बच्चों का निकाह नहीं हो पाया, जिसके बाद इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बवाल देखने को मिला। समारोह में शामिल होने आए कई लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सामूहिक निकाह समारोह में शामिल होने आए एक व्यक्ति इद्रिश अली ने बताया कि वो बैरसिया क्षेत्र से आए हैं। यहाँ 300 जोड़ों का निकाह नहीं हो पाया, हमारा भी लिस्ट में नाम ही नहीं था, जबकि हमने एक महीने पहले ही फॉर्म भरा था और 4000 रुपए भी दिए थे। आप आइए, आपका निकाह होगा, और हमने 4000 रुपए भी दिए, और ऐसे कई लोगों ने 4000 रुपए दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके सारी समिति बना के खाते हैं जो लोग, और गरीब आदमी के पास पैसा आएगा नहीं तो क्या करेगा ये इंसान। हमें ये बोल रहे हैं कि हमें निकाह के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि जितने लोग आए हैं सबके निकाह कबूल होना चाहिए, जहाँ पे सबके लाने सहायता मिलना चाहिए। सुना आपने इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में किस तरह धांधली के आरोप लगाए गए, लेकिन जब इसके आयोजक और नगर निगम अध्यक्ष से इस बारे में जानकारी ली गई तो बताया गया कि जिन लोगों ने नियम के अनुसार फॉर्म भरे थे उनका निकाह कबूल हुआ, लेकिन जिन लोगों ने नियम के अनुसार इस फॉर्म को नहीं भरा था उनका निकाह कबूल नहीं करवाया गया, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जाँच की जाएगी। आज मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत जो है 303 जोड़ों का निकाह हो रहा है। इसके अंदर खासतौर से नगर निगम सीमा के अंतर्गत जितने हैं उनका जोड़ा शामिल किया गया है, और जो बाहर से 150-200 जोड़े थे वो कल उनको निरस्त करके आगे वाली डेट दी जाएगी, ऐसा हमें जो है बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है। और इस नगर निगम के अंदर 450 फॉर्म थे पहले 3-4 दिन पहले तक, लेकिन अभी एक दो दिन के अंदर ये तय हुआ था कि जो नगर निगम सीमा के अंदर आते हैं नगर निगम उन्हीं का निकाह आयोजन करेगी, और जो दूसरे शहर के हैं वो वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होकर उनको वहाँ लाभ मिला जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना में जो भी पात्र हितग्राही हैं और नगर निगम ऑफिस में ही अपने आवेदन करें, किसी भी जालसाज के चक्कर में ना पड़े। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह है, और इस प्रकार का कोई अगर गिरोह काम कर रहा तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाते हुए आवश्यक लगा तो FIR कराने का काम भी करेंगे। फिलहाल अभी इस मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन कब तक इसकी जांच हो पाएगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि निगम अधिकारी अभी इस मामले की जांच कराए जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला, क्योंकि लोगों के मुताबिक पहले भी सामूहिक कन्या और निकाह विवाह होता रहा, लेकिन उसमें कभी भी धांधली सामने नहीं आई, लेकिन इस बार सामूहिक निकाह समारोह में धांधली हुई। फिलहाल निकाह के लिए दूर दूर से लोग आए थे जिन्हें मायूस होकर वापस जाना पड़ा, लेकिन निगम की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस मामले की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, और जिनका भी इस सामूहिक विवाह समारोह में निकाह नहीं हो पाया उनका जल्द ही निकाह कराया जाएगा। खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा कब तक होता है और होता भी है या फिर नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।